तरह से जवाब दूंगा, हिंदू एक धर्म है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। चलिए एक बात, और इसे मैं साबित कर सकता हूँ। मैं अभी पूछ ही नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। जितने लोग मानते हैं, अब आप इस तरह से उसको गाली कहेंगे तो उनको कैसा लगेगा? बहुत सारे लोग जो है इग्नोरेंस में बहुत सारी गलत बातें करते हैं। क्या है उसमें? ये सारी दुनिया वाले मानते हैं कि इग्नोरेंस पैदा करके लोगों से गलत काम करवाया जा सकता है। नहीं, हिंदू मजहब क्या है गलत है? क्या है हिंदू लफ्ज में गाली जैसा, क्या है वो बता। डिक्शनरी मीनिंग ये है काला चोर, हिंदू का मतलब आप चोर। ये डिक्शनरी मीनिंग में लिखा हुआ है, मेरा नहीं, हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें लिखा हुआ है। तो ये हम क्यों स्वीकार करें? हमारा कहना, आपने पूछा हमारे पास डिक्शनरी है, आपकी डिक्शनरी कोई अलग डिक्शनरी है? अरे 100 साल पुरानी भाई, हमारी नहीं, 100 साल पुरानी। दिखा सकते हैं? यहाँ डिक्शनरी लेके नहीं आया हूँ, आपको डिक्शनरी आपको बता था आप। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास है। मगर जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। समझे? सुने। अरे इधर बात है, जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये जो जितने संस्कृत में ग्रंथ है, हिंदू शब्द जब वेद लिखा गया कोई अता पता नहीं था, मुसलमानों के आगमन के साथ हिंदू शब्द भारत में आया। इतिहास पढ़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, अगर इसमें आप हिंदू शब्द निकाल कर दिखा दे, आपके हिसाब से हिंदू कोई है शब्द? वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू है? तो क्या तो आप ही हमको क्यों बता रहे हो? आप ही दावा कर रहे हैं। हाँ है, दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, और क्या बताओ? केवल मुसलमानों को नहीं, आज मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ तमाम कम से कम 6 ऐसे धर्म के लोग हैं भारत में, जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, ये मजलूम लोग हैं, इन लोगों को सिख भी, उनको साथ में लेकर चलने का कार्यक्रम है। जैसे आज मदनी साहब हमारे साथ में आए, चंडीगढ़ में और जलंधर में सिख आ जाएंगे, कर्नाटक में लिंगायत आ जाएंगे, है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है? किसको किसको जिसको हम इसलिए ला कर आएंगे कि हम लोगों का एक मौलिक सिद्धांत है कि सारे इंसान बराबर है, इन लोगों को बराबरी का सिद्धांत मानने वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ब्राह्मण धर्म सारे इंसान बराबर है नहीं मानता, हम ही नहीं मानते। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू शब्द पर्शियन। अपना आपको बहुत सवालों के जवाब दे दिया, आपको सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको आपको हमको मार्गदर्शन करना है, तो मैं कार्यक्रम बुलाता हूं आपके लिए, वहां आपको बुलाता हूं। नहीं, आपके पास ज्ञान ज्यादा है, आपको सलाह देने के लिए हम कार्यक्रम में बुलाते हैं, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, आपको बुलाते हैं, आपका नाम बोल दीजिए, आप हमको घंटा भर भाषण दीजिए, वहां आपका भाषण सुनेंगे। है बारे डेली है मान्यवर, डेली मेरे कार्यक्रम है, आज कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं, कल पंजाब में है, डेली है, वो मत बताइए मुझे। और जो मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं सारे देश भर में, जो इधर बोल रहा हूं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं वही सारे देश भर में बोल रहा हूं। सर एक सवाल। हाँ चलो बोलो। सामने कहा कि दलितों को जलाकर हिंदू बनाया जा रहा, आप उन्हें हिंदू से दलित वापस कैसे लाएंगे? एक मिनट। मौलाना साहब का बयान क्या था? क्या मौलाना साहब ने कहा था कि दलित भाइयों को बहलाकर हिंदू बनाया जा रहा है, तो उन हिंदुओं को आप वापस कैसे लाएंगे? देखो पहली अहम बात तो ये है कि ब्राह्मणों के सामने ये एक बड़ी समस्या है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनको ब्राह्मण धर्म ने अछूत बनाया, उसको हिंदू कैसे बनाया जाए, ये संकट है उनका।
ये तो उन्होंने बताया अछूत। जाति एक अलग बात है, अस्पृश्यता एक अलग बात है। अस्पृश्यता की वजह से तो डॉक्टर अंबेडकर को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, ऐलानिया करना पड़ा। काल्पनिक बातें तो नहीं कह रहा, हिस्टोरिकल बातें हैं। इन्होंने ब्राह्मणवाद के अत्याचार नहीं सहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। मान्यवर बोलने दीजिए, हम पत्रकार बंधुओं को सवाल पूछने के लिए जो कहना चाहते हैं। ट्राइबल डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो है गांव जो है सरना धर्म में किया है, हिंदू धर्म में नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, उनका शुमार जो है गांव जो है हिंदू धर्म में हुआ सेंसस में, तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे? आप शामिल होते हैं उसमें? आप शामिल होंगे? ये जो हम उसके विरोध में आंदोलन करेंगे उसमें? हाँ, अब आ गए ना, तो मैं यही तो चाहता हूँ कि आप पत्रकार के हैसियत से बात करें। आप पत्रकार की तरह बात नहीं करते, आप फिर हिंदू बन जाते हैं और फिर हिंदू बन के बात करते रहते हो। अरे पत्रकार पत्रकार की तरह बात करें, आपका एक धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आप पत्रकार की तरह बात करें।